फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय आशा ब्लॉग में। तो कैसे हैं सब, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, ये वीडियो जो है 17 तारीख का है, यानी कि संडे का वीडियो है। और संडे के दिन होता क्या है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उस दिन जो है इतनी जल्दी खाना पीना नहीं बन पाता है। तो मैंने यहाँ पे सुबह सुबह चाय के बाद जो है मैक्रोनी रख दिया था। यहाँ पे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था और थोड़ा सा नमक भी उसमें मैंने ऐड किया था और थोड़ा सा तेल भी ऐड किया था ताकि ये मैक्रोनी चिपके नहीं। और इधर मैंने प्याज वगैरह छील लिया था और मिर्ची में जो है मिर्ची और प्याज और टमाटर अच्छे से धुल लिया है यहाँ पे। और धुल के जो है मैं इनको काट लूँगी तब तक कि हमारी जो है मैक्रोनी उधर बॉयल होती रहेंगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ, टमाटर वगैरह मिर्ची सारी चीज़ें मैं काट लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी और यहाँ पे मैं तेल कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं प्याज भी हमारा पक चुका था, थोड़ा सा ब्राउन हुआ था क्योंकि उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गया था और इसमें जो है मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर दिया था ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और थोड़ी बहुत रह भी जाएंगे। तो इनको मैं मैश कर दूंगी ऐसे ही। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं मैक्रोनी जो है हमारा जो है टमाटर और प्याज जो अच्छे से पक चुके थे तो मैंने इसमें मैक्रोनी बॉयल की हुई मैक्रोनी अच्छे से ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी। और उसके बाद जो है मैक्रोनी मसाला जो होता है इसको भी ऐड कर दूंगी और फिर मैं अच्छे से चला दूंगी, क्योंकि अच्छे से चलाने से ये अच्छे से पक जाएंगी। वैसे तो पक चुकी थी, बॉयल करते ही पक चुकी थी। तो मैंने इसमें मैक्रोनी मसाला भी डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैक्रोनी हमारी बनके अच्छे से तैयार हो जाएंगी और सभी लोग खा लेंगे। और आज हमारे यहाँ का जो है दशहरे का मेला है तो सारे लोग, बच्चे लोग तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है मेला देखने की। वो सुबह से ही तैयार हो गए हैं और मेला जो है कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमारे घर के पास ही में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सुबह हम लोगों ने गेहूं धुल के डाले थे, धूप अच्छी निकली थी और गर्मी भी हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप निकली थी कि गेहूं सुबह सुबह मैंने धुल दिए थे। इतनी ज़्यादा बारिश आई, इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना थी, लेकिन देख सकते हैं आप लोग सारे गेहूँ हमारे भीग गए हैं और सारे गेहूँ भीग गए हैं। और इसको हम लोग फिर से समेट के नीचे ले के गए थे और दोबारा से फिर से धूप निकली थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो जो गीले हो गए थोड़े बहुत वो सूख जाएंगे, और उनको हम लोगों ने फिर से फैलाया था धूप में और दोबारा से इतनी ज़ोरों से बारिश आई, इतनी ज़ोरों से बारिश आई कि आपको क्या ही बताएं। आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कि इतनी ज़ोरों से बारिश आई, सारे गेहूँ इतने गीले हो गए कि वो बहने लगे थे। तो आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी जो जैसे था वैसे ही इनको समेटने लगा यहाँ पे। और अब ये जो है सूखेंगे नहीं, क्योंकि शाम के 3 बज रहे थे और इतनी ज़्यादा बारिश, मौसम खुलने का संभावना भी नहीं थी, क्योंकि मौसम अब जो है साफ होने की बिल्कुल संभावना नहीं थी। तो अब इतने गीले हो चुके थे कि इनको अब नहीं, दोबारा मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने दोबारा ही डाले थे। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया बारिश में कि सुबह मैंने गेहूं धुल के डाले, अब ये गेहूं अच्छे से फूल भी जाएंगे और ख़राब होने की भी संभावना है यहाँ पे। तो ये जो है बारिश इतना ज़्यादा नुकसान हम लोगों का कर गई यहाँ पे कि क्या बताएं। पहले से मौसम सही था, नहीं सही होता तो शायद गेहूँ नहीं धुले जाते। और आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं नहा के आ रही हूँ, नहा के क्या बारिश ने इतना नहला दिया कि दोबारा नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये देखिए, इसको देखिए, ये बेचारी ऐसे ही जुटी पड़ी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। और इसको देखिए, ये भी अभी कपड़े चेंज करके आ रही है, इतनी ज़्यादा बारिश अचानक से आ गई, सुबह इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी तो यही हम लोगों को डबल मेहनत पड़ गई। पहले हम लोग भर चुके थे, दोबारा फिर से वहाँ फैलाने गए और दोबारा फिर से हम लोगों को लाना पड़ा। तो अभी जो है काफ़ी ठंडक भी लग रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आज दशहरे का मेला भी है और बारिश भी अच्छी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोगों ने चाय रख दी है,
पीने के लिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स चाय हमारी, अभी मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग चाय हमारी बन रही है। क्योंकि अभी जो है बारिश में भीग गए थे तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी सर्दी जैसे सर्दी का मतलब मौसम होता है ना, ठंडक जैसी लग रही है। तो अभी हम लोग चाय बना के पी लेंगे तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा बारिश कितना परेशान हो गए आज, इस बारिश ने इतना परेशान कर दिया कि सारा अनाज भी हमारा भिगो दिया। तो फ्रेंड्स चाय बना लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग तैयार हो चुके हैं और आज हमारे यहाँ का दशहरे का मेला है। तो हम लोग मेला देखने जा रहे हैं और समय हो रहा है 7:15, शाम के 7:15 बज रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये देखिए ये हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इन लोगों के लिए हमको जाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे तो हम नहीं जाते, लेकिन ये भी छोटे हैं तो इनके लिए जाना पड़ा है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है मेला देखने का। तो मैं इनको थोड़ी देर घुमा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ और मेला देखने के बाद ही मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मेले में और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का रावण, हमारे यहाँ का ये रावण है। और ये बारिश की वजह से कुछ पोर्शन इसका बह सा गया है, ये देखिए आप लोग, इतनी ज़्यादा ही बारिश हुई थी कि ये गीला गीला होके थोड़ा बहुत हट भी गया है यहाँ से, लेकिन फिर भी दिखने में अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का मेला इतना ज़्यादा इसमें भीड़ होती है कि आप लोगों से मैं क्या ही बताऊं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे तो इतनी भीड़ नहीं है अभी, लेकिन रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था और बच्चों के लिए हमें जाना पड़ा था। वैसे तो हम मेला नहीं आते हैं, मेला नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनको बस घुमा दो तो इतना ज़्यादा शौक होता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ भीड़ के हाल देख सकते हैं, यहाँ तो इतनी ज़्यादा अभी तो नहीं है, लेकिन बाहर इतनी रोडों पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि निकलना मुश्किल हो रहा था। और रावण को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम लोग मेले से आ चुके हैं और रात का 9:30 बज रहा है। और जो है रावण जो है अभी जला हुआ नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही देख के चले आए हुए थे। और फ्रेंड्स काफ़ी रात हो रही थी क्योंकि मैं खाना बना के नहीं गई थी, तो अब मुझे खाना बनाना है। वैसे तो बच्चे वहीं से खा पी के आ गए हैं, वो तो नहीं खाएंगे, लेकिन घर में जो रह गए थे उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।